हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस और आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं घटना चक्र सीरीज का और घटना चक्र सीरीज के तहत आज हम लोग देखने वाले हैं देखने वाले हैं दक्षिण भारत की नदियाँ यानी कि दक्षिण भारत की नदियों के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं इसको नोट्स के तहत हम लोग देख लेंगे जैसे देखिएगा कि दक्षिणी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत को हम लोग क्या कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत हम लोग जानते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है वैसे भूखंड जो तीन ओर पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं जो चारों ओर पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं ठीक है तो हमारा जो भारत का दक्षिणी भाग है यानी दक्षिणी भारत है इसको प्रायद्वीपीय भारत इसलिए बोलते हैं कि ये पूरा की ओर ये आ, बंगाल की खाड़ी दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत ठीक है तो ये प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है ठीक है जो पश्चिमी तट के किनारे उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियां महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है ये नदियाँ जो है यानी जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है ये कैसा किसका निर्माण करती है डेल्टा का निर्माण करती है प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा ताप्ती एवं माही मुख्य नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और ये ऐश्वरी बनाती है यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि कौन सी नदियां जो है ये पश्चिम की ओर बहती है तो नर्मदा और ताप्ती और एक तीसरा नदी भी है जिसका नाम है माही ये तीन नदियाँ हैं पश्चिम की ओर बहती है और ये ऐश्वरीय यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है क्लियर चलिए अब इसको हम लोग मैप में देख सकते हैं जैसे देखिएगा कि ये उत्तर भारत की नदियां हैं झेलम चिनाब रावी सिंधु सतलज लूनी यमुना रामगंगा गंगा चंबल सिंधु ये है अब इधर देखिए हम लोग बात करते हैं किसका दक्षिण भारत ये आपका ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत ठीक है अब इसमें हम लोग देख लेते हैं इसमें नर्मदा ताप्ती महान इं, 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 इंद्रावती पेन गंगा मंजरा कृष्णा तुंगभद्रा ये जितना कावेरी बेंग ये जितनी नदियां हैं ये प्रायद्दीपय भारत की नदियां हैं ठीक है इसमें नर्मदा और ताप्ती जो है वो किधर बहती है पश्चिम की ओर बहती है और माही भी है जो पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी का उद्गम जो है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुई है ठीक है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है कौन ये नर्मदा ठीक है उसके बाद देखिएगा इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुरा पर्वत है इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश

यह स्टोरी को ही हम लोग क्या कहते हैं ज्वार नद मुख का निर्माण करती है जबलपुर के निकट संगमरमर सैलों में नर्मदा नदी गहरे गौरज यानी महाखड्ड जिसको बोलते हैं गौरत से बहती है जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुरा पहाड़ियों से निकलती है ठीक है इसका इसकी लंबाई जो है ये 724 किलोमीटर चौबीस किलोमीटर क्षेत्र पैंसठ वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात से प्रभावित होती हुई ये नदी अरब सागर में ज्वार मुख का निर्माण करती है गोदावरी पर्वतीय प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है देखिए आपको ये पूछा जा सकता है पूछा जाता है बराबर कि गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है ठीक है है ये कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अफवा तंत्र सबसे बड़ा है इसका द्रोणी महाराष्ट्र यानी नदी द्रोणी का पचास प्रतिशत भाग तेलंगाना आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश ओडिशा छत्तीसगढ़ कर्नाटक और पुडुचेरी यानी है गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है जैसे पूर्णा, वर्घा प्राणहिता मंजीरा इंद्रावती तथा गंगा। गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है ये चौदह किलोमीटर प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तुम कोयना मालप्रभा पंचप्रभा दूध प्रभा दूध गंगा घाट प्रभा मूसी तथा भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी द्रोणी महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य कौन कौन से क्षेत्र के बीच यानी कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है ठीक है वर्ष उन्नीस से चला आ रहा है ये कृष्णा नदी विवाद जो है ये उन्नीस से चला आ रहा है इसके निपटारे के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप सुप्रीम कोर्ट के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों आर एस बहावत एवं ब्रजेश कुमार के अध्यक्षता में कृष्णा नदी विवाद पर दो भिन्न न्यायाधिकरणों का गठन किया जा चुका है महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ में सिंह सिहावा पहाड़ी धमतरीप जिला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है आठ किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में प्रभावित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का कर निर्माण करती है ठीक है उसके बाद कावेरी नदी के बारे में बात की जाए तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 805 किलोमीटर लंबाई तथा सत्तासी नौ सौ वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रभावित होती है त्रिचूरपली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है इसका अपवाह क्षेत्र केरल कर्नाटक तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है यहाँ यह श्री रंगपटनम शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती भवानी हेमावती काबिनी है भारत में आयतन की दृष्टि सब से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी बनाती है और इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है प्रपात यानी कि प्रपात द्वारा उत्पादित वैद्युत मैसूर बंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है ऐश्वरीय जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थल करती है जहाँ नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं इस प्रकार के समुद्र तथा नदियों के मिलान बिंदु को ज्वार नदमुख या एश्चोरी कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी ऐश्चरी सेंट लॉरेंस नदी की है ये याद रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी एश्चोरी सेंट लॉरेंस नदी की है ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं नदी और उसकी लंबाई नर्मदा जो है ये कहाँ से निकलती है तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है मैकाल पर्वत पर है तेरह सौ बारह किलोमीटर है उसके बाद ताप्ती देखिए मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश ये सात सौ चौबीस किलोमीटर लंबा है गोदावरी त्रियंबक त्रमेकेश्वर है नासिक महाराष्ट्र ये चौदह सौ पैंसठ यह सबसे लंबी नदी है ठीक है कृष्णा को देखिए महाबलेश्वर करण महाराष्ट्र चौदह सौ किलोमीटर है उसके बाद देखिएगा कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग ये आठ सौ पाँच किलोमीटर महानदी सिहावा पहाड़ी या धमतरी छत्तीसगढ़ आठ सौ अंठावन किलोमीटर सहायक नदियाँ देखिएगा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है देखिए इससे एक क्वेश्चन भी पीसी में पूछा गया आपको ये याद रखना है कि पूर्णा वर्धा प्राणहिता मंजिला गंगा इंद्रावती किसकी नदियाँ हैं किसकी सहायक नदियाँ गोदावरी की कृष्णा की कौन कौन सी हैं तुम भद्रा कोयना घाट प्रभा मूसी भीमा माल पंच पंचगंगा दूध गंगा ठीक है जितना गंगा वाला होगा वो किसका होगा कृष्णा का होगा मैक्सिमम ठीक है अमरावती भवानी हेम हेमावती काबिनी ये किसका है कावेरी का है शिवनाथ हंसदेव ईव और तेल देखिए ये पूछा था तेल नदी किसकी सहायक नदी है तो महानदी की सहायक नदी है ये ऑलरेडी Bpsc में पूछा गया क्वेश्चन ठीक है अब इससे रिलेटेड जो पूछा गया क्वेश्चन है आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ग्लांस में आपको दिखा दे रहा हूँ ये देखिएगा पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती है ये दोनों सही है यानी इसका राइट आंसर क्या होगा ए ए और आर दोनों सही है आर ए की सही व्याख्या है ठीक है उसके बाद देखिएगा व्याख्या आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा दूसरा नंबर का सवाल देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है परंतु नर्मदा तथा तापी अरब सागर में गिरती है नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती है इसमें भी देख लीजिए ये दोनों सही है यानी ये भी सही है और आर भी सही है ठीक है और ये व्याख्या भी करता है आर ए का ठीक है उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर ये नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है ऐसा क्यों तो इसका राइट आंसर है कि यह एक रेखीय विभ्रंश रिप्ट घाटी में विस्तृत है इसीलिए ठीक है चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पाँच चौथा नंबर का सवाल नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है तो सर सतपुरा और विंध्याचल नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है सतपुरा और विंध्याचल ठीक है उसके बाद देख लीजिएगा नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है तो बिल्कुल गलत है वह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है ये बिल्कुल सही है यानी ये गलत है आर सही है ठीक है उसके बाद देखिए निम्नांकित में कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा ठीक है निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है तो इसमें देखिएगा भारत की पश्चिम की ओर बढ़ने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि ये चोरी बनाती है नर्मदा और ताप्ती दोनों होगा इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कोई भी सी डी दोनों सही होगा अधोलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है तो नर्मदा और ताप्ती है तो इसमें ताप्ती दिया है ताप्ती आंसर कर देंगे ठीक है उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर बहती है कौन सी घाटी भ्रंश घाटी भ्रंस घाटी से होकर प्रभावित होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी कौन सी नदी होगा ठीक है तो ये ताप्ती नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंस घाटी से होकर बहती है ये भी वही क्वेश्चन है तापी हो जाएगा उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है तो राजनंद गांव राजनंद गांव नर्मदा बेसिन का भाग है ठीक है अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है तो देखिएगा नर्मदा सोन और नर्मदा वो तो नदियां हैं जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है ठीक है उसके बाद देख लिए नर्मदा नदी नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का उदाहरण है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ ठीक है उसके बाद कौन सी नदी रिप्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा उसके बाद देखिए इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच है तो ये नर्मदा ये कौन कौन ये नर्मदा जो है इसके बारे में ये क्वेश्चन खास करके यूपी बीपीएससी सब में पूछा जाता है ठीक है पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां कौन कौन सी है तो एक और दो यानी नर्मदा और ताप ये माही होता माही भी आंसर होता ठीक है उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है तो राइट आंसर देखिए नर्मदा एक ही क्वेश्चन कई बार कई तरी से, तरीके से पूछा गया है निम्न निम्निम् अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से निकलती है तो ताप्ती राइट आंसर ठीक है उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में कौन सी नदी तीन बार दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्री रंगपट्टनम शिव समुद्र और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है देखिए

और ये कब से चला आ रहा है उन्नीस सौ सन्तावन से चला आ रहा है इसका कोई भी ऑप्शन इस तरह सही नहीं है उसके बाद देखिए निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन एसचोड़ी बनाती है तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों एसचोड़ी का निर्माण करती है ठीक है उसके बाद देखिए नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में इसको सजा दीजिए तो गोदावरी नर्मदा और महानदी फिर ताप्ती यानी कि आप देखिए गोदावरी नदी चौदह सौ पैंसठ नर्मदा तेरह सौ बारह महानदी आठ सौ अंठावन ताप्ती सात सौ चौबीस ठीक है उसके बाद देखिए हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया गया था गोदावरी और कृष्णा को ठीक है उसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बढ़ने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है स्वर्ण रेखा महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नार और कावेरी और व्यंगई यानी एक नंबर बिल्कुल सही है आई एस प्री में पूछा गया क्वेश्चन ठीक है अगला सवाल देखिए दक्षिण भारत की प्रमुख नदी प्रमुख प्रमुख दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में कौन सा हुआ तंत्र रखती है तो इसका राइट आंसर होगा वृक्ष नुमा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है तो राइट आंसर का कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है ये सही नहीं है ठीक है उसके बाद देखिएगा ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है ये जान ही रहे हम लोग सोन नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है उसके बाद देख लीजिए जो नदी शेष अन्य से, से भिन्न है वो कौन कौन सा है तो ये सिंधु और महानदी ये अलग अलग है ठीक है निम्नलिखित में कौन सी नदी ऐश्वरी नहीं बनाती है तो महानदी ऐश्वरी नहीं बनाती है कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है तो वो महानदी डेल्टा बनाती है तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें देखिएगा महानदी नहीं है इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं ये तेल नदी महानदी का जो है ये सहायक नदी है साठ से बासठवीं में पूछा गया था ठीक है भारत की निम्नलिखित नदियों के घाट नदियों के घाटों में किन में जल का अभाव है तो इसका राइट आंसर एक और दो सही हो जाएगा यानी एक और दो साबरमती घाट ताप्ती घाट ठीक है उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का संगम होता है जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रभावित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रभावित होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अमरकंटक ठीक है उसके बाद देखिएगा उनतालीस नंबर में केरल में पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियां नहीं हैं मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां नहीं है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है इसका राइट आंसर डी ना तो एक ना तो दो आज का देखिएगा अगला सवाल देखिए निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी उसके बाद देखिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी बेसिन उसके बाद बयालीस नंबर में देखिए प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है राइट आंसर होगा गोदावरी उसके बाद देखिए आज का अगला सवाल है आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है इसका राइट आंसर गोदावरी ठीक है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है गोदावरी देखिए क्वेश्चन को, को कई बार पूछा गया है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए इसमें देखिए कौन सा सहायक नदियाँ हैं तो इंद्रावती और प्राणहिता ये सहायक नदियाँ हैं ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं ठीक है ठेके? किस नदी की घाटी गा, गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल तो इस प्रकार हम लोग पूछे गए इस चैप्टर से कुल छियालीस प्रश्न अब तक पूछा जा चुका है ठीक है मैं सभी प्रश्नों को यहाँ समाहित किया हूँ वीडियो को आप एक से दो बार देख लीजिएगा निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा ठीक है बस आज के वीडियो में इतना ही धन्यवाद